वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। वैदिक मैथ के एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक डिस्कस करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। अगर किसी भी दो नंबर के बीच में जीरो आ जाता है तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल देखो, 205 मल्टीप्लाई करना है मुझे 307 से, तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 7 5 35, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, 2 7 14, एंड देन इसको इससे करोगे 5 3 15। आंसर क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे, क्या आएगा 29। एंड नेक्स्ट क्या करना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6, योर आंसर इज 6 2 9 3 5। एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया है। बहुत बड़े बड़े सम आप आराम से कर पाओगे अगर आप इस ट्रिक को सीख लेते हो। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया 35। सेकंड स्टेप में क्या करना था, फर्स्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देन दोनों को ऐड, 2 7 14, 5 3 15, दोनों को ऐड किया कितना आया 29। नेक्स्ट में क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 3 6, योर आंसर इज 6 2 9 3 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इतने ही फास्ट मेथड से कर पाओगे अगर आप इसको लिख के करोगे, तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है। वैदिक मैथ्स का मतलब ही यही है, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करता है और आपकी कैलकुलेटिंग स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट करते हैं, मुझे करना है 402 803, इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, बट पेयरिंग करते हैं, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, सारे वैदिक मैथ में हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग। 2 3 6 लिखेंगे क्या, 0 6। सेकेंड स्टेप, 4 3 12 8 2 16, दैट इज 28, राइट डाउन 28। इन थर्ड स्टेप, 8 4 32, योर आंसर इज 3 2 2 8 0 6। तो ये था हमारा, किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर पाओगे। आप इसकी जगह कोई भी डिजिट लेके कर सकते हो, आपके आंसर्स मिसमैच नहीं होंगे, तो आप बड़े से बड़े नंबर को इस मेथड से इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप बहुत सारी मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्यूब, स्क्वायर की ट्रिक्स सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।